अच्छा ऐसे हेली क्या वो ऐसे हेलना चाहिए और ट्रेन जा रही थी बातें करते हुए मैंने मतलब आ रही थी और जा रही थी, मतलब उसको जाने का मन नहीं था, मतलब बाहर नहीं जा रही थी, यहीं से आ रही थी और बात करके फिर यहाँ जा रही थी फिर चले जा रही थी, मैंने फोन से बातें करते हुए। नमस्कार, मैं हूँ शिवलू सनम और आज पहुंचा हूँ पटरौना के रेलवे स्टेशन पे। आज मैं बता दूं कि दुखद घटना है, कल की शाम 3 बजे की घटना है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे बगल में रेलवे पटरी है और वहां पे देख पा रहे होंगे कुछ खून के धब्बा भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को, क्योंकि ये धब्बा कल शाम का एक्सीडेंट हो जाता है। एक लड़की ने रेलवे क्रॉसिंग करते हुए जैसे तक ट्रेन आ जाती है उसके एक बांह और पैर दोनों पड़ जाते हैं। वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ताकि आप लोग, ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है मैंने कुछ देर यहाँ तक खड़ा होकर देखा, कुछ औरतें जा रही थी तो ज्यादा से ज्यादातर मोबाइल को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग कर रही थी। कुछ लड़कियों को भी मैं हम लोगों ने देखा तो ऐसा ही हाल था। तो फिलहाल कुछ सावधानियां नहीं बरता जाएगा तो शायद हो सकता है कि ये हादसा हमारे साथ और आपके साथ सबके साथ भी हो सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह लोग हिल रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूंगा लोगों को। इसी तरह जब ट्रेन चली जाती है बच्चे पढ़ के आते हैं तो इसी तरह सभी लोग हिलते हैं। इसी रास्ते को लोग बना लिए हैं, ये शॉर्टकट रास्ता बनाया गया है जो सीधे सुभाष चौक पे जाता है और आप लोग इसी तरह को वीडियो को देखते रहिए। पटरौना स्टेशन है ये, कल बहुत ही बुरी घटना आप लोग के बीच में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लड़की मौत और जिंदगी से जूझ रही है आप लोगों के बीच में मैं बार बार दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे हेली होंगी, ट्रेन इधर से आ रहा होगा और किस तरह से ये हादसाएं हुई होंगी, ये सोचकर रुआ खड़ा करने वाली है। और इसी के साथ आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी लोग आते हैं, मेन तो दरवाजा वहां से है स्टेशन के पीछे और कुछ लोग साठ काट रही है रास्ता अपनाते हैं, इसको पास कर जाते हैं, सीधे चले जाते हैं सुभाष चौक के तरफ और सभी लोग आते हैं जाते हैं, इसी रास्ते को बरकरार बनाए हुए हैं, वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन हादसाएं कब और कैसे हो जाए इसका कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और बाकी आप लोग देखते रहिए कि कैसे, फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे बूढ़े बुजुर्ग भी लोग भी इस रास्ते से हिलते हैं और इसमें अचानक में जब ट्रेन आ जाए तो क्या होगा और कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए बचा बचा के दादाजी हिल रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि लोग यहां से ना जाएं, क्योंकि लोगों को पास पड़ता है, लोग इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन आए दिन लोग आते जाते हैं, कुछ नहीं होता है लेकिन कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। एक भाई साहब है, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, आपका नाम क्या है भाई साहब? रोशन बिहारी। कसेरा टोली में रहने वाले हैं आप। यहाँ सुने हैं कि यहाँ पे हादसा हुआ था कल 3 बजे में। 3 बजे में हुआ था, कैसे हुआ था कुछ अंदाजा है? फोन से बतिया रही। अच्छा, फोन से बतियाते हुए सोच रही थी मैं सुभाष चौक पे चला जाऊँ। अच्छा, ये दिखाना चाहते हैं ये। अच्छा ऐसे हेली क्या वो ऐसे हेलना चाहिए और ट्रेन जा रही थी बातें करते हुए मैंने मतलब आ रही थी और जा रही थी, मतलब उसको जाने का मन नहीं था, मतलब बाहर नहीं जा रही थी, यहीं से आ रही थी और बात करके फिर यहाँ जा रही थी फिर चले जा रही थी, मैंने फोन से बातें करते हुए। तो देखिए फोन से बातें करने के दौरान उसको ट्रेन आ जाती है और ट्रेन अपने चपेट में ले लेती है। ट्रेन यहाँ रुक गई थी यहाँ पे। अच्छा, ड्राइवर उतर कर तभी कर इंजन थे, इंजन के नीचे थी। अच्छा, इंजन के नीचे थी ट्रेन, मतलब रुक के बेचारा उसने निकाला है। और अभी तो जिला अस्पताल पे भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और फिलहाल भाई साहब ने कुछ बताया, ये कसरा टोली के रहने वाले हैं पटरौना के ही और इन्होंने अपने कुछ सुना है कुछ देखा है उसके बारे में कुछ बताया है। तो हो सकता है कि जिंदगी है, क्या कहना चाहेंगे, देख रहे हैं सब लोग भैया लोग ट्रेनिया के नीचे सुए हैं तो बाकी ट्रेनिया खुली तो पता होता चल जाए क्या। वो बताते हैं जो गार्ड बाबू आते हैं। अच्छा, तो बता देंगे कि आप लोग सोइए मत, अब जगिए, अब लोग ट्रेन खुलने वाली है, बताते हैं। देखिए लोग को तो सावधानियां हैं, इन लोगों को तो पता चल जाती हैं, चलिए कि भाई ट्रेन जाने वाली है, ये लोग हट जाते हैं। काहे कि आप लोग दिखाना चाहेंगे, आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं ट्रेन के नीचे भी लोग छांव की वजह से लोग बैठे हुए हैं। जो ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी खाली हो रही है अभी फिलहाल। भाई साहब दिखाना चाह रहे हैं, मौके पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी देखिए आप लोग जो भी दिखा रहे हैं भाई साहब देखिए। हाँ, बाकी मैं तो आप लोग देखिए, इसी तरह मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, बार बार यही आप लोगों से गुहार लगाऊंगा कि आप लोग जब भी रेलवे क्रॉसिंग के लिए या स्टेशन के पास जो भी आप लोग जब जाइए तो फोन से कम लगिए, क्योंकि फोन से तो जिंदगी भर बातें करना है। अभी तो फिलहाल जब हॉस्पिटल में जब जिंदगी और मौत की बीच वो लड़ रही होंगी तो फिलहाल
मोबाइल से कब कैसे बात कर रही होंगी, इसलिए मोबाइल से तो हमेशा बातें रहना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरतिएगा तो हो सकता है कि दुर्घटनाएं कम होंगी। कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी होता है, अचानक हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जब सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है कि दुर्घटनाएं कम हो। अभी फिलहाल मेरे सामने मेरे खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं सेवरही कराने वाला। सेवरही मतलब तमकोही रोड? तमकोही रोड, हाँ। ये तमकोही रोड से आप अभी यहाँ आए हैं कि कहीं जा रहे हैं उधरी? हम तो तमकोही से आए हैं, फिर तमकोही रोड जाएंगे। तो कल यहीं पे हादसा हुई थी, हादसा हुआ आपके सामने हुआ था? तो क्या कुछ लोग बता रहे हैं कि फोन से बातें करते जा रही थी और आ रही थी, तो क्या फोन से बातें करते हुए क्रॉस कर रही थी, ट्रेन वो क्रॉसिंग के पास आ चुका था और यही दुर्घटना हुई। अब किस मकसद से हुआ, आजकल के बच्चे कान में, दोनों कान में लगा कर चल रहे हैं, मोबाइल हाथ में और दोनों कान में, कान में जो क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ लगा कर चल रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो या कोई भी अन्य औरतें भी हो सकती हैं, कोई भी हो, इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। और मैं सेवरही तमकोही से वार्ड नंबर 3 राजेंद्र नगर का निवासी सत्यनारायण गुप्ता बोल रहा हूँ। बताइए, इन्होंने भी कुछ आप लोगों को निर्देश दिया, इस निर्देश पे आप लोग अगर फॉलो करते हैं ना तो हो सकती है कि जिंदगी, खास कर मैं गार्जियन से अपील करता हूँ, खास करके गार्जियन से अपील करता हूँ, जो बच्चे को पढ़ना है तो छोटी मोबाइल दे भाई, लोकेशन लेना है, लोकेशन लेना है, बड़ा वाला मोबाइल ना दे, बिल्कुल बड़ा वाला मोबाइल ना, वो लड़का पढ़ेगा पबजी खेलेगा और ना कभी वो आगे बढ़ेगा। लोकेशन लेना है तो छोटा वाला मोबाइल ले, बिल्कुल गार्जियन ले सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे चाचा जी ने जो भी कुछ कहा कहीं ना कहीं झूठलाया नहीं जा सकता है, सच्चाई है। अगर आप लोग की मर्जी, आप लोग क्या देना चाहेंगे? आजकल यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, वो अपना समय टाइम पास करने आ रहे हैं, मैं हम वो देखते हैं, बाकी ये भी रोड पे रहते हैं, देखते हैं, आते हैं जाते हैं सभी लोगों को। ऐसे गार्जियन से अनुरोध, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो अपने बच्चों को, बच्चे हो या बच्चियां हो, छोटा मोबाइल दे, लोकेशन लेना है ना। बिल्कुल, बाकी इसी के साथ उस तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, मोबाइल से भी पढ़ा जा सकता है, उस तरफ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर लगा दिया जाए, हाँ, घर पे कंप्यूटर लगा दीजिए, वाईफाई का जमाना है उसका लगा दीजिए, तमाम है, पढ़ने वाले लड़के तो घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, बिल्कुल, और नहीं पढ़ने वाले आप कोटा भेज दीजिए, वो भी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूंगा, और चाचा जी ने भी जो भी कुछ कहा आप लोगों के हित के लिए कहा, ताकि आप लोग इनको अपना गार्जियन समझकर अगर दिल पे लेकर इस बातों को सुनते हैं और समझते हैं तो शायद हो सकती है कि जिंदगी आपके भी सुलभ की तरीके से और अच्छे तरीकों से चल सकती है। तो इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करते रहिएगा लगातार, और आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।